उधर माल मंत्री ब्रह्मशंकर जिंपा होरां दे खिलाफ शिकायत गई है। मोगा दे तहसीलदारां ने डीसी नूं लिखत दे विच शिकायत दित्ती है। उन्हां दा कहना है कि चेकिंग दौरान उन्हां दा जो रवैया सी उस तों अफसर नाराज ने। बीते दिन कैबिनेट मंत्री ब्रह्मशंकर जिंपा ने तहसील कंपलैक्स की अचनचेत चैकिंग की सी ते अफसरां मुताबक उन्हां दा रवैया लहजा इस दौरान ठीक नहीं सी, जिस नूं लैके उन्हां ने शिकायत डीसी नूं सौंपी है। तहसीलदारा वालों शिकायत दी गई, जिसते कैबिनेट मंत्री ब्रह्मशंकर जिंपा का कहना है कि अजे तक सिर्फ एक ते कार्रवाई हुई है, गलत काम करने वाले हर तहसीलदार ते कार्रवाई होगी। मेरे खिलाफ मांग पत्र दिता गया, बहुत अच्छी गल। अगर वो ये सोचते तुसी मेरी वो पूरी अगर प्रेस रिलीज देखो, मैं क्या उस तहसीलदार नूं इह पुछिया भी जी आ एक मेरे को कंप्लेंट आई है और पेपरां दे विच चर्चित है पिछले 20 दिन तो 15 दिन तो, ते मैं की लोड़। मैं उत्थे दे डीसी साहब को 3 दिन पहला रिपोर्ट भी मंगी सी, पर उन्होंने कहा सी ने मैं कदे विधी नहीं, मैं तुहानू रिपोर्ट देना। कोई गल नहीं, मैनू को फर्क। मैं उत्थे आप पहुंचा, मैं उन्होंने सिर्फ इन्ना पूछा भी आ अगर इस रजिस्ट्री ये अगर कमर्शियल रजिस्ट्री रेजिडेंशियल रेट से करती गई है तो जो मैं अगर मैनू तो जो उन्होंने इकट्ठ दिखाया हो तो वो तो मौके पर सस्पेंड होना चाहिए। ऐदा ही होगा, एक तहसील है, सारी तहसीलों का दौरा होना बारी बारी करके जिन्हें मैं घोल सकती हूं। बीते दिन कैबिनेट मंत्री ब्रह्मशंकर जिंपा ने मोगा के तहसील कंपलैक्स च भी अचनचेत चैकिंग की सी, जिस तों बाद तहसीलदारां वल्लों मुख्यमंत्री पंजाब सरकार भगवंत मान नूं लिखत च शिकायत की गई सी। इस शिकायत संबंधी भी कैबिनेट मंत्री ब्रह्मशंकर जिंपा होरां ने जी मीडिया के नाल खास गलबात की है। आओ सुनते हैं। कैबिनेट मंत्री बनंत वाल ब्रह्मशंकर जिंपा जिहड़ा एक फॉर्म दे विच ने, उन्होंने कल जिहड़ा मोगा दे विच तहसील कंपलैक्स दे विच छापेमारी की अते तहसीलदार दे खिलाफ कार्रवाई की। पूरा मामला की है, उन्होंने किस तरह कार्रवाई की है और की उहदे विच सिट्टा निकल के सामने आया, की उन्होंने कोई शिकायत सी, इस नूं लैके असीं ब्रह्मशंकर जिंपा उन्हां नाल गल करदे हां। सर किस की मामला सी पूरा, क्योंकि उस तों बाद तुहाडी कंप्लेंट भी की गई है। देखो मेरे को कंप्लेंटर जिहड़ा सी वार वार मैनूं व्हाट्सएप कर रहे सी और मेरे तो फोन ते कर रहे थे जी, इतने जिहड़ियां रजिस्ट्रीज है कमर्शियल लैंड है और तहसीलदार नूं रेजिडेंशियल लैंड दिखा के रजिस्ट्रियां करे जा रहा, बहुत बड़ा रेवन्यू लॉस हो रहा। तकरीबन 10 दिन तो 8 दिन तो कर रहे थे। मैं उसकी रिपोर्ट जिहड़ी सी डिप्टी कमिश्नर मोगा तो मंगी और क्योंकि रिपोर्ट उस दिन कहते जी मैं थोड़ा बिजी है लेट हो गई, फिर मैं सोचा आप जाना, सोचा भी आप पहुंचना चाहिए और कंप्लेंटेड भी उत्थे नाल मेरे खड़ा होया। आपां उस अधिकारी नूं पुछिया क्या ये जिहड़ी कमर्शियल लैंड है, कहिंदा नहीं जी ये रेजिडेंशियल ही होएगी। तो मैं कहा कोई गल नहीं, हुण आपां इत्थे बिलीव करदे आ, हुण अगर वह अधिकारी फिर कोई गल करदे तो डेफिनेटली जांच का विषय सी। मेरे नाल मानजोग MLA भी मोगा अमन जी, मैडम अमन जी, डॉक्टर अमन है, वह भी उत्थे खड़े सीगे। मानजोग MLA साहब भी उत्थे मौके ते आए, उन्होंने की कहते हैं अमन जी ने भी उत्थे नाल मेरे खड़े होके की कहते हैं उन्होंने उहा भी जी है कंप्लेंट जी है उन्होंने गल होनी चाहिए। जिहड़ा है खास करके जदों दी सरकार बनी है अक्सर जिहड़ा है लगातार जिहड़ा तुसी बहुत सारे विभागों के जांच वास्ते जांदे हो, इंस्पेक्शन करते हो, लेकिन एक कल जिहड़ी खास जांच सीगी उसके उत्ते जिहड़ा बड़ा किंतु परंतु के सवाल भी उठे आ। उसी तरह जिहड़ा नवजोत सिंह सिद्धू की गल करिए, नवजोत सिंह सिद्धू दे उत्ते जिहड़ा है हरीश चौधरी उन्होंने एक भी कटाक्ष किया कि जेकर आम आदमी पार्टी की पंजाब दे विच सरकार बनी है उहदे विच किते ना किते नवजोत सिंह सिद्धू के जिहड़े गलत बयान सन उन्होंने बदौलत पंजाब दे विच सरकार बनी बन पाई है। इस नूं जिहड़ा है खास करके आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जिहड़ा नवजोत सिंह सिद्धू नूं जिम्मेवार ठहराया जा रहा है। ये जिहड़े हरीश चौधरी जी हैगे ना जी, मैं तो कहना कांग्रेस पार्टी नूं अपने वल देखना चाहिए। नवजोत सिद्धू जी की चर्चा करना ये बचते नहीं कांग्रेस पार्टी, ये हुण नवजोत सिद्धू के उत्ते हर हार मड़न की कोशिश कर रहे हैं। मेरा ख्याल है भी इन्हों पूरी हरीश चौधरी साहब ने अपने आप में देखना चाहिए, अपनी पार्टी वालों देखना चाहिए भी एक ही करते पे सी बैठे। राजा बड़ी कहते कि पंजाब दे विच अनुशासनहीनता बनाने वास्ते जिहड़ा कांग्रेस है 3D मंत्र दे नाल जिहड़ा काम करेगी उसनों तुसी किस तरह। राजा बड़िंग जी का स्वागत है, उन्होंने अगर बनाया गया वह अपने आप को प्रूव कर इस कांग्रेस जी कांग्रेस जीतियां जड़िया गलतियां हैं उन्होंने सुधारने की कोशिश कर। कांग्रेस राजा बड़िंग जी पिछली बार कितने से, राजा बड़िंग जी उस विधानसभा रहे कैप्टन साहब जी,
ਤੇ ਰਾਜਾ ਬੜਿੰਗ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਚੱਕ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰਕੇਸ਼ ਪੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਮਨ ਖੋਸਲਾ, ਜੀ ਮੀਡੀਆ।